बताया है ना टॉपिक, हाँ और टॉपिक क्या ऊपर लिखे नहीं है सर? लिखे तो हैं, नहीं लिखे? अच्छा अच्छा चलिए बेटा, आज बायो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, ठीक है, इन टॉपिक्स, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये चार टॉपिक हैं, इनके क्वेश्चन हैं, वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्पेसिमेन यूज्ड फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर, ठीक है ना? जैसे मान लो कि ऑथर या कोई साइंटिस्ट जब किसी नई प्रजाति को खोजने के लिए जाता है और वो नई प्रजाति पहली बार मिलती है, ठीक है ना, मतलब उसकी डिस्कवरी आज तक नहीं हुई है, खोज नहीं हुई है, कोई नया जीव मिला है, तो उस स्पेसिमेन को नाम क्या दिया जाता है, ये पूछा गया, तो इसको बोलते हैं होलोटाइप। क्या बोलते हैं? होलोटाइप आंसर है। ओरिजिनल स्पेसिमेन जो, या फर्स्ट टाइम जो यूज स्पेसिमेन यूज किया जाता है, या ओरिजिनल स्पेसिमेन जो यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं होलोटाइप। अब ये डिस्कवर हो चुका, इसके जैसा फिर दोबारा कोई दूसरा मिलेगा तो उसको बोलेंगे आइसोटाइप, ठीक है ना? पहले डिस्कवरी नहीं हुई है, पहली बार कोई नया जीवधारी मिला है, उसको होलोटाइप बोलते हैं, और उसी के जैसा दोबारा कोई दूसरा मिलेगा, यानी कि जिसकी डिस्कवरी हो चुकी होगी, उसको बोलेंगे आइसो टाइप। तो इसका आंसर हो गया होलो टाइप, ठीक है ना? द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स इज वॉज गिवन बाई जूलियन हक्सले, किस सन में दिया गया था ये पूछा गया, तो आंसर याद रखिएगा 1940, 1940 में जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू सिस्टेमेटिक्स टर्म किसने दिया, तो आंसर याद रखिएगा जूलियन हक्सले, और किस सन में दिया था, तो 1940। चलिए अगली बात करते हैं, द बुक जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम बुक किससे लिखी, किसने लिखी थी, तो आंसर है इसको लिखा था जेनेरा प्लांटर को बेंथम और हुकर, इन्होंने ही क्या दिया है, बेंथम एंड हुकर नहीं दिया, नेचुरल नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इन्होंने नहीं दिया, ठीक है ना? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है ना? चलिए अगली बात करते हैं, एक बुक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिस्टेमा नेचुरी, ये भी पूछा जाता है, सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने दी है, तो आंसर है लीनियस, लीनियस, ठीक है ना? चलिए, एल्गी, फंजाई एंड वायरस, ठीक है ना, वायर वो सॉरी क्वेश्चन है, आर्चिगोनियट्स इंक्लूड, ऐसे ठीक है ना ग्रुप्स की बात करनी है जिसमें आर्चिगोनिया पाई जाती है, तो आपको पता आर्चिगोनिया ठीक है ना ब्रायो टेरिडो जिम्नो में पाई जाती है, ना तो एलगी में पाई जाती है, ना ही एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, सॉरी। तो अगर पूछा जाए आर्चिगोनिया किसमें पाई जाती है, तो आंसर होगा ब्रायो टेरिडो और जिम्नो में, ब्रायो टेरिडो एंड जिम्नो में आर्चिगोनिया पाई जाती हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को बोलते हैं आर्चिगोनियोस, ठीक। अगला क्वेश्चन, कहते इंस्टीट्यूट ऑफ एनकरेज पब्लिकेशन ऑफ लोकल फ्लोरा, लोकल फ्लोरा बोला जाता है प्लांट्स को, किसको बोलते हैं बेटा, अब ध्यान समझना, फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को, और लोकल प्लांट्स की डिस्कवरी के लिए एक संस्था बनाई गई इंडिया में, जिसको बोलते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज बीएसआई। तो जो BSI है ठीक है ना, इसका काम होता है लोकल फ्लोरा या लोकल प्लांट्स का पब्लिकेशन करना, ठीक है? चलिए अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लैश, ये स्टेटमेंट किसका, ये पूछा जाता है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है तख्तजान, उसका है,
सॉरी थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, 1-2 मिनट में अभी सब सही हो जाएगा मामला। देखो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लैश, ये किसका है? तो आंसर है तख्तजान। अगले की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द ग्रुप प्रोटिस्टा फॉर बोथ यूनिसेलुलर प्लांट एनिमल्स, एनिमल प्लांट्स के लिए यूनिसेलुलर ग्रुप बनाया गया था प्रोटिस्टा, ये किस साइंटिस्ट ने बनाया था? तो आंसर है इसका हैकल। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ते होंगे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ठीक है ना, लिनियस ने दिया था, और उसके बाद आता था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हैकल ने दिया था। तो हैकल ने, ठीक है ना, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्लांट और एनिमल दोनों को रखा। चलिए अगली बात करते, द स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्टिव टू मॉस्किटो, मॉस्किटो के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज होती है? यानी कि वो स्टेज का नाम बताना है जो प्लाज्मोडियम में इन्फेक्शन कॉज, प्लाज्मोडियम की उस स्टेज का नाम बताना जो मच्छर के अंदर संक्रमण पैदा करती है। तो इसका नाम है गैमेटोसाइट। क्या नाम है बेटा इसका? गैमेटोसाइट। और अगर पूछा जाता है इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, मनुष्य के लिए संक्रमण अवस्था बताइए, तब आप नाम करते स्पोरोजोइट। ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा, मॉस्किटो के लिए गैमेटोसाइट होती है और ह्यूमन के लिए स्पोरोजोइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमेटिड बॉडीज, ठीक है ना, अकर्स इन द एंट अमीबा ड्यूरिंग। देखो अब अगर आप एंट अमीबा की आप हिस्ट्री की लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो इसमें एक इनिशियल स्टेज होती है सिस्ट फॉर्मेशन की, उसमें कुछ बॉडीज दिखाई देती हैं जिसको बोलते हैं क्रोमेटेड बॉडीज। तो ये क्रोमेटेड बॉडीज अर्ली स्टेज में दिखाई देती हैं या लेटर स्टेज? तो आंसर है ये अर्ली स्टेज में आपको दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अमीबा स्टॉप्स प्रोड्यूशन। अब आपको पता है अमीबा में जो गमन होता है कूट पाठों द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन तभी अमीबा कर सकता है जब इसको भूख ना लगी हो, अगर भूख लगी होगी तो ये पैरों का निर्माण, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो पूछा गया अमीबा स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग स्यूडोपोडिया, अमीबा स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा कब? जब इसको भूख लगी होगी, एनर्जी नहीं होगी तो ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, दैट इज स्टारवेशन, भूख की कंडीशन में ये स्यूडोपोडिया नहीं बना पाता। अगला क्वेश्चन है बेटा, आफ्टर हाउ मेनी डेज कुड ए पेशेंट कॉमनली फील मलेरिया फ्रॉम द टाइप ऑफ बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो। कह रहा है एक ह्यूमन है जिसको मच्छर ने आज काटा है तो कितने दिन बाद उसको मलेरिया फील होगा? तो आंसर है 8 से 10 दिन बाद। ठीक है ना, 8 से 10 दिन बाद। अब ध्यान से रुकना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मॉस्किटो ने बाइट किया और इसके बाद सिम्टम आएंगे। अरे भाई सिम्टम्स आएंगे, जब सिम्टम्स आएंगे तभी तो आप मलेरिया मानोगे। तो ये बाइट करने से सिम्टम आने तक का पीरियड क्या कहलाता है? ये कहलाता है इनक्यूबेशन पीरियड। ये भी पूछ सकता था इनक्यूबेशन पीरियड मलेरिया का कितना होता, तब भी आंसर क्या होता आपका 8 से 10 दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन, माइक्रोफॉसिल ऑफन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग फॉर्मेशन आर दोस ऑफ। कह रहे हैं ठीक है ना कि सूक्ष्म जीवाश्म अक्सर पेट्रोलियम उत्पाद के निर्माण में उपस्थित होते हैं, वह क्या होते हैं? तो वह होते हैं फोरामिनिफेरेंस, ठीक है ना, रेडियोलेरियंस या फोरामिनिफेरेंस। तो आंसर, अगर कहीं सिलिका का डिपोजिशन हो, ठीक है ना, याद रखना सिलिका का डिपोजिशन हो, सिलिका को बोले तो SiO2 का डिपोजिशन हो तो रेडियोलेरियंस होंगे, और पेट्रोलियम के लिए होते हैं फोरामिनिफेरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज इज सिमिलर टू फंगस। बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु होता है वो कवकों के समान होता है, किस लिए? तो बैक्टीरियोफेज हो, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज की बात की जाए तो ये वायरस है, और वायरस है तो इसके अंदर सेल वॉल कुछ नहीं मिलेगी,
ठीक है ना, फंगस के अंदर सेल वॉल होती, लेकिन सिमिलरिटी पूछी है उसने, अंतर थोड़ी ना पूछे, अंतर नहीं पूछे सिमिलरिटी। तो इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहां में दोनों में लिखा हो इन हैविंग डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, दोनों में ही जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है? डीएनए। अगला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन्स क्या होती है? एंटीवायरल प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो वायरस से बचाती हैं किसी सेल को, उनको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। तो लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स विच इनहिबिट्स वायरल मल्टीप्लीकेशन, इनहिबिट्स का मतलब रोक देती हैं वायरस के, ठीक है ना, वायरस की या विषाणुओं की वृद्धि को रोक देती हैं, उन्हें को बोला जाता है इंटरफेरॉन, एंटीवायरल प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस, ऐसा विषाणु होता है जो जीवाणुओं पर अटैक करता है और उसको पचा कर खा जाता है, और पचाने वाले एंजाइम होते हैं लाइसोजाइम, तो इसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, एड्स वायरस कंटेन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंस वायरस, ठीक है ना, यहां पर ये स्टेटमेंट सही कर लेना, एड्स वायरस कंटेन, ये और नहीं होगा, कुछ नहीं है यहां पर, ये एड्स वायरस कंटेन एचआईवी वायरस, ठीक है ना, हैज प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज, ठीक है ना, कह रहा है जो एचआईवी वायरस होता है उसके अंदर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कहीं लिखा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद प्रोटीन, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वायरस में होता है, वायरस में ठीक है ना, एक होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं होंगी, या तो डीएनए या आरएनए, साथ में होता है प्रोटीन कोट, प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन कोट, प्रोटीन आवरण, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैप्सिड, ठीक है ना, प्रोटीन कोट जिसको बोलते हैं कैप्सिड, समझ रहे हो क्या, ठीक, प्रोटीन कोट और कैप्सिड, ठीक। अब बात करें प्रोटीन कोट और कैप्सिड की, तो आंसर क्या हो गया, अब आरएनए दिया नहीं, डीएनए कवर्ड बाई प्रोटीन कोट, तो आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन, कैमिलो वायरस, कॉलीफ्लोवर मोजेक वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल पूछा गया, याद कर लो बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कहीं लिखा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगला फिर जेनेटिक मटेरियल पूछा गया, अगले क्वेश्चन, रेबीज वायरस में क्या होता है, तो आंसर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, कहीं लिखा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पहला ही ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, ए वायरस कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर डीएनए, ऐसा वायरस जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है लेकिन बाद में वो उस आरएनए की मदद से डीएनए बना लेता है, ऐसे वायरस के ग्रुप को बोलते हैं रेट्रो वायरस, जैसे एचआईवी और कैंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वायरस इंटर प्लांट सेल थ्रू, ठीक है ना, वायरस प्लांट्स में हमेशा बुंड घाव के द्वारा इंटर करते हैं, तो आंसर है घाव से बुंड। अगला इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है ना, हैज गॉट, इन्फ्लुएंजा वायरस होता क्या, कुछ नहीं, कोई भी वायरस हो उसके चारों तरफ प्रोटीन कोट होगा, अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, तो एनवलप्ड कैप्सिड होता है, बाहर की तरफ इसमें प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है, एनवलप का मतलब कोट, आवरण, घेरा, ये उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, ठीक है ना, बताया तो था या तो डीएनए या आरएनए, दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं, यहाँ देखो लिखा डीएनए एंड आरएनए, मतलब दोनों एक चीजें एक साथ कभी नहीं होती, तो आंसर होगा डीएनए या आरएनए। अगला क्वेश्चन है, ईच कैप्सोमियर, टोबैको मोजेक वायरस जो होता है, तंबाकू मोजेक विषाणु जो होता है, उसके अंदर जो कैप्सिड होता है वो छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है, जिनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स, पूछा जाता है इन कैप्सोमियर्स का साइज क्या, वो कैप्सोमियर्स की संख्या कितनी होती है, तो आंसर है 158, 158 इनकी संख्या होती है, ठीक है ना। अगला राइबो वायरस, ऐसे वायरसेस को बोला जाता है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, तो आरएनए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इन म्यूकर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, कोई भी फंजाई हो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी और फंजाई में स्पोर बीजाणुओं के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइफ साइकिल इज एसोसिएटेड विद म्यूकर, देखो एल्गी और फंजाई इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड एंड गैमेटोफिटिक होती है, तो इनकी लाइफ साइकिल होगी हैप्लॉन्टिक,
ठीक है ना, कैसी लाइफ साइकिल होगी? एल्गी और फंजाई का कोई भी मेंबर आ जाए, इसकी लाइफ साइकिल हमेशा कैसी होगी बेटा? हैप्लोटिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं जाइगो स्पोर्स आर फॉर्म इन, जाइगो स्पोर्स ये ठीक है ना, एक विशेष प्रकार के ठीक है ना फंजाई में बनते हैं जो क्लास जाइगोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। जाइगोमाइसिटीज का क्लासिकल एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस। तो आंसर है म्यूकर और राइजोपस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉमन ब्रेड मोल्ड, कॉमन ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं? तो आंसर है राइजोपस को कॉमन ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, कॉलुमेला इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ, ठीक है ना, कॉलुमेला इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ, ठीक। कॉलुमेला ये हमेशा, कॉलुमेला जो स्ट्रक्चर होता है ये याद रखिएगा ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। किसमें? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में जैसे आप देखोगे ठीक है ना, ठीक, एक तो फंजाई में भी दिखाई देता है और दूसरा ब्रायोफाइटा। फंजाई में जैसे एग्जांपल अभी बता दिया, राइजोपस हो जाए या फिर म्यूकर हो जाए, इनमें दिखाई देगा। और ब्रायोफाइटा में ये कॉलुमेला दिखाई देता है जैसे मॉस। दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलेंगे आगे। तो फंजाई में भी पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में भी पाया जाता है। यहाँ देखो कौन दिया गया, फंजाई का ऑप्शन है नहीं, एलगी और वो सॉरी ब्रायोफाइटा का तो ऑप्शन है नहीं, एलगी और फंजाई दिया, तो फंजाई में राइजोपस में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर और राइजोपस, याद रखिएगा ठीक है ना। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है ना, यहाँ पर एक एसिड की वजह से कंप्लीट हो पाता है, और इस एसिड उस अम्ल का नाम होता है ट्राइस्पोरिक एसिड। ट्राइस्पोरिक एसिड की वजह से यहाँ पर लैंगिक जनन संपन्न होता है। अगला राइजोपस में जो आईपी अभी बताया था, राइजोपस या म्यूकर एनजी किस क्लास के मेंबर है? तो ये क्लास फाइकोमाइसिट्रीज है, और फाइकोमाइसिट्रीज में याद रखिए एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट हाइपा पाया जाता है, तो ब्रांच्ड एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट आंसर। अगला, फूड मटेरियल प्रिजर्व्ड ही कैन बी प्रिजर्व्ड एट, फूड मटेरियल अगर आप फूड मटेरियल भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप ठीक है ना फूड मटेरियल को प्रिजर्व कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर भी, ऑस्मोटिक प्रेशर पर भी, लो टेम्परेचर पर भी, और ठीक है ना। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी। देखो जैसे बात की आपने ठीक है ना, आपने लो टेम्परेचर जैसे किसी भी चीज को उठाकर फ्रीज फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो वो कभी खराब नहीं होती, तो लो टेम्परेचर पर भी प्रिजर्व कर लिया। आप देख तो शहद हनी जो होता है, शहद सालों साल तक रखा रहे भरा हुआ बॉटल्स में तब भी खराब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तब भी वो क्या कर जाएगा बेटा, और कुछ चीजों को हाई टेम्परेचर पर भी प्रिजर्व किया जाता है। तो आंसर इसका ऑल ऑफ दीज होगा। केवल कुछ बच्चे सोचते हैं लास्ट वाला होगा, नहीं, ऑल ऑफ दीज। अगला, द बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला नहीं होता और वो ग्लाइड करके लुढ़कते हुए आगे बढ़ता है, ऐसे बैक्टीरिया के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो आंसर है मिक्सो बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरियाओं को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा ठीक है ना, पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण, लुईस पाश्चर ने ये पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दी थी। इसमें किसी भी जीवाणु को नष्ट किया जाता है किसी भी भोज्य पदार्थ के अंदर से, जैसे दूध में आपने सुना होगा, खासतौर पर ये पाश्चुरीकरण दूध है। तो क्या करते हैं, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक उस दूध को गर्म करते हैं 30 मिनट के लिए, तो उसमें जितने बैक्टीरिया होते हैं उनके स्पोर्स होते हैं खत्म हो जाते हैं, तो जो दूध का ठीक है ना फ्रेशनेस होता है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो आंसर है 60 से 70 मिनट फॉर 60 से 30 डिग्री, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए। एक्सोटॉक्सिन ये एक प्रकार का विष होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं। आगे अगली डिसीज है, पूछा है एक डिसीज है, एक बीमारी है क्लोवर फ्लॉइडी, क्लोवर फ्लॉइडी ये कौन क्रिएट करता है? तो आंसर है इसका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसको पीपीएलओ बोलते हैं, ये क्लोवर फ्लॉइडी नामक बीमारी को कॉज करता है। अगला, म्यूरिन ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल में म्यूरिन पाया जाता है। पूछा जाता है ये म्यूरिन होता क्या? तो कुछ नहीं होता, ये जो पॉलीसेक्राइड होता है सुगर होता है उसी का डेरिवेटिव होता है, तो कहीं लिखा है डेरिवेटिव ऑफ सुगर, ठीक है ना। अगला, कोच फॉस्टुलेट, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोच, ठीक है ना, उसने कहा था ठीक है ना, कोच फॉस्टुलेट, उसने कुछ हाइपोथेसिस दी थी जो जीवाणु क्या करते हैं बीमारियां करते हैं उनके लिए, और ये कोच फॉस्टुलेट ठीक है ना लेप्रोसी के जीवाणु पर वैलिड नहीं होती है। पूछा जाता है कि किस जीवाणु पर कोच की फॉस्फोलेट कोष की अवधारणा नहीं लगती है? तो त्वचा में म्यूकस ग्लैंड ठीक है ना, श्लेष्म ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, इसका क्या ठीक है ना
कारण है? तो आंसर है कि इनकी त्वचा बहुत कठोर होती है, कठोर होने की वजह से इसमें म्यूकस ग्रंथियां नहीं पाई जाती। म्यूकस ग्रंथियां वहीं पाई जाएंगी जहां पर त्वचा मुलायम होगी, ठीक है ना। अगला, जैसे आप फ्रॉग की त्वचा को देख लो, मेंढक की, उसकी त्वचा कैसी होती है, ठीक है ना, मुलायम होती है, चिपचिपी होती है, तो वो म्यूकस की वजह से ही होती है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल डू ऑल फोर गिव, ऐसे बता रहे चार एनिमल दिए गए, इनमें से कौन से ऐसे चारों हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहां पर देखो, शुरू, ठीक है ना, बैट, कैट, कीवी। कीवी ठीक है ना, एक बर्ड है, चिड़िया है बेटा, तो ये अंडे देगी, बच्चे नहीं देगी, समझ गए, ये गलत हो गया। कंगारू, हेडहॉग, डॉल्फिन, लॉरिस, ठीक है ना। कंगारू बच्चों को तो जन्म देता है लेकिन इनकम्प्लीट, ठीक है ना, इनकम्प्लीट डेवलप्ड बच्चों को जन्म देता है, फुल्ली कम्प्लीट, ठीक है ना। अगर डॉल्फिन की बात करें तो ये भी मैमल है, लॉरिसस ये भी मैमल, हेडहॉग, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, ये इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डेवलप्ड बेबीज को देता है जन्म, फुल्ली मैच्योर बेबीज को नहीं देता, इसलिए ये भी गलत होगी, ठीक है ना। लॉयन, बैट, बेल, ऑस्ट्रिच, हाँ ठीक है ना। ऑस्ट्रिच इसमें क्या हो गई, ये भी ऑस्ट्रिच चिड़िया हो गई, बर्ड है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ठीक, एक मिनट। ऑस्ट्रिच बर्ड है, और बर्ड है तो ये क्या देगी, एग। और यहां पर प्लेटिपस, हाँ ये है जरूर मैमल लेकिन ये एग लेइंग मैमल है, तो ये भी अंडे देगा। तो ये यहां पर देखो, यहां पर बच्चे को जन्म दे रहा था लेकिन इनकम्प्लीट डेवलप्ड बेबी को दे रहा था, अंडे तो नहीं दे रहा, तो बच्चे को ये भी देगा, ये भी, ये भी। तो आंसर सेकेंड, ठीक है ना। अब अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें चारों फुल्ली डेवलप्ड बच्चों को जन्म देते तो फिर वो ज्यादा करेक्ट हो जाता, इसलिए ये वाला ज्यादा करेक्ट है अभी तो फिलहाल, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल एंड रेप्टाइल्स, मैमल और रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिंग लिंक, ठीक है ना, मैमल और रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है किसको, ठीक है ना, एग लेइंग मैमल्स को, जिसमें आते हैं डक बिल, प्लेटिपस, ठीक है ना, और ऑर्निथो रिंकस। तो आंसर दिया गया है ऑर्निथो रिंकस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 12 प्रेयर क्रेनियल नर्व्स ये पाई जाती है एमनियोट्स में, और एमनियोट्स बोला जाता है रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी, सब में पाई जाती है 12 प्रेयर क्रेनियल नर्व्स। रैबिट, कह रहे हैं जो रैबिट है इसका गढ़ ऑर्डर कौन सा होता है, तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेगोमॉर्फा। रोडेंसिया में कुतरने वाले आते हैं, जैसे चूहा हो गया, जैसे गिलहरी हो गई, ठीक है ना। आर्टियोडेक्टेले में जो आते हैं वो ऐसे जानवर आते हैं जिनके पैरों में, ठीक है ना, सम उंगलियां होती हैं, सम 2, 4, 6, 8, और प्रेसियोडेक्टेला में वो आते हैं जिनमें एक ऑड विषम उंगलियां होती हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, मैमल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, देखो याद रखिएगा, ठीक है ना, फिशेस से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से, ठीक है ना, रेप्टाइल्स बने, तो रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल दोनों एक साथ बन गए थे, तो पूछा गया मैमल्स की ओरिजिन किससे हुई, तो आंसर है रेप्टाइल्स, ठीक है। चलिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाथीरियन, मेटाथीरियन होते हैं दो, डाइडलफिश और, ठीक है ना, एक का नाम होता है कंगारू, डाइडलफिश और, ठीक है, डाइडलफिश दिया गया है, दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो केवल और केवल किसको टिक कर देंगे, डाइडलफिश, ठीक है। 15 मिनट और बेटा, खत्म हो जाएगा। द मैमल्स विच पजेस बोथ द रेप्टाइल एंड मैमेलियन करेक्टर, फिर वही बात है यार, देखो क्वेश्चन दो तरह से पूछ रहा, अगर पूछे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल तब भी बात वही है, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है ऐसा एनिमल जो दोनों ग्रुप्स के करेक्टर्स को, लक्षणों को प्रदर्शित करता हो, रेप्टाइल्स को भी और मैमल्स को, वही बात तो यहां पूछ रहे, ऐसा कौन सा एनिमल है जो रेप्टाइल्स और मैमिलियन दोनों करेक्टर्स को रखता है, और या फिर ये पूछे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, रेप्टाइल एंड मैमिलियन, अरे कनेक्टिंग लिंक उसी को बोला जाएगा तो दोनों के लक्षण को रखेगा, तो बात नहीं एक ही है, बार बार वही क्वेश्चन पूछे, बोथ रेप्टाइल एंड मैमिलियन कितनी बार बताएं, ठीक है ना, एग लिंग मैमल्स आर दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है ना, किसका, रेप्टाइल एंड मैमल्स, और इसमें आते हैं दो, एक को बोलते हैं डक बिल प्लेटिपस, बतख चोंची प्लेटिपस, प्लेटिपस भी लिख देते हैं कभी कभी, बोलो डक बिल प्लेटिपस, इसी को बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस, ठीक है ना, और एक और होता है स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर, ईटर
इसको बोलते हैं एक्टिना। तो ये दो ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, या इन दोनों के लक्षण को रखते हैं, और एग लिंक। तो आप बताओ सर कि बताओ तो एक करेक्टर रेप्टाइल को बताओ, एक मैमल। हाँ, रेप्टाइल का करेक्टर इनके अंदर ये है कि ये एग लेइंग करते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं। और मैमल्स का करेक्टर ये है कि इनमें मेमरी ग्लैंड भी पाई जाती है। तो देखो दोनों ग्रुप्स के करेक्टर हैं, ठीक है। अब कोई ऑप्शन ऐसा दिया गया था, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं बेटा मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स इनका, ठीक है ना, क्या है, ऑर्डर है, मोनोट्रीम्स ऑर्डर। ये कोई नाम नहीं है, ये ऑर्डर है जिसमें इनको रखा गया है, इन दोनों को। तो यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, सीधा गण पूछ लिया गया, कौन से गण को ये बिलोंग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा मोनोट्रीम्स। अगला, कंगारू। नाम सुना है, पाउच्ड मैमल होता है, ऐसा मैमल जिसमें पाउच पाया जाता है, जिसमें थैली पाई जाती है। तो ऐसे मैमल्स को मार्सुपीलिया कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अरे यार, आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरों से भोजन लेते हैं, उनके पास क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता है, और क्लोरोफिल या पर्णहरित ना हो नहीं होता है कि इसमें एलगी अपना भोजन खुद बनाता है। ये तो तीनों पौधे हैं, तो भोजन खुद बनाए। ये फंजाई, इसके पास खुद के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना भोजन नहीं बना पाता, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट का मतलब, ठीक है ना, साइंटिस्ट रिलेटेड विद फंगस। ऐसा साइंटिस्ट जिसने फंगस के ऊपर काम किया है, उसके बारे में पूछा गया। तो इंडिया सदाशिवम, सब सारे इंडिया के दिए गए। तो इंडिया में ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने फंगस के, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और हो सकता था, केसी मेहता। ये दो ऐसे हैं साइंटिस्ट जिन्होंने किसके ऊपर, फंजाई के ऊपर काम किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु गेव द पैरासिटिक नेचर ऑफ फंगस, ठीक है ना। ये किसने बताया था कि जो फंजाई होती है, फंगस होते हैं, वो दूसरे पौधों के परजीवी होते हैं। तो इसको उसी ने बताया था जिसने कोट फॉस्टुलेट दी थी, कोच अवधारणा दी थी। तो कोच अवधारणा किसने दी थी, रॉबर्ट कोच ने। तो पैरासिटिक नेचर भी किसी ने बताया था, किसने बताया था, तो आंसर है रॉबर्ट कोच, ठीक। अब अगला क्वेश्चन फालतू का देखो बेटा, कह रहे थ्रेड लाइक फिलामेंट, ठीक है ना, ऑफ फंजाई आर नोन एज। ऐसे जैसे फंजाई होती, फंजाई कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, रेगुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उस धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जो ऐसे ग्रो करती हैं, ऐसी, ठीक है ना। इन धागे नुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं, तो आंसर है माइसीलियम, ठीक है ना। इन पूरी फंगस की बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है ना। और माइसीलियम बना किससे होता है, हाइफी से मिलकर बना होता है। तो माइसीलियम ऑप्शन दिया नहीं गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइफी, क्योंकि माइसीलियम और हाइफी दोनों बातें एक ही होती हैं, ठीक है ना। अगला, कह रहे 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, उसका कारण क्या था। बंगाल में लोग क्या खाते हैं यार, चावल, मछली, चावल ज्यादा खाते हैं, ठीक है ना। अकाल पड़ने का कारण क्या था, कि एक बीमारी थी जिसको बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है ना। लीफ में जो चावल की पत्ती थी वो भूरी होती जा रही थी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल का कंटेंट खत्म होता है। क्लोरोफिल भाई नहीं रहेगा तो पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। सारी की सारी धान की फसल, ठीक है ना, क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। और एक वो फंगस था जो उस फसल को खराब कर रहा था, जिसका नाम था हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी। और जब धान की फसल पूरी पूरी खराब हो गई, तो वहां पर अकाल पड़ गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसको बोलते हैं बंगाल का अकाल। तो इसको ये बीमारी हुई थी ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी, चावल का भूरा धब्बा, ठीक है ना। चलिए, कह रहे कि यूएसए, अमेरिका में जो मक्का होती है वो 50% तक नुकसान खत्म हो जाती है। इस 50% मक्का को खत्म करने वाला फंगस कौन सा होता है, तो अस्टिलेगो। ये भी क्या है बेटा, एक फंगस है, अस्टिलेगो नामक फंगस उस मक्के को खराब कर देता है, ठीक है ना। जीनस पेनिसिलियम, पेनिसिलियम उसी, ठीक है ना, क्लास को बिलोंग करता है, उसी वर्ग को बिलोंग करता है जिसमें मशरूम आता है। मशरूम किसमें आता है बेटा, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया। मशरूम आता है बेटा आपका बेसिडियोमाइसिटीज में, और पेनिसिलियम आता है आपका, मशरूम पूछा जाए तो बेटा इसमें आएगा, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में। यहाँ म्यूकर आएगा, ठीक है ना, म्यूकर और राइजोपस दोनों यहीं आएंगे। और ड्यूट्रोमाइसिस, ड्यूट्रोमाइसिटी जितने पैरासिटिक फंगस है, बीमारी करने वाले पैरासिटिक
सिटिक फंगस सब इसी में आएंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज, अभी तो बताया था हैप्लोइडिक जीवन चक्र किसमें पाया जाता है, या तो एल्गी में या फंजाई में। देखो कोई एल्गी या फंजाई का ऑप्शन है बेटा, ठीक है ना, एल्गी या फंजाई का ऑप्शन है। ये तो फ्यूनेरिया बेटा, इसका ऑप्शन सही कर लेना, ये बाद में नहीं, फ्यूनेरिया नाम होगा, ये एल बाद में बना, ये बेकार। पॉलीट्राइकम ये भी नहीं होगा बेटा, अस्टिलेगो ठीक है ना, हाँ वेरी गुड। ये है फंगस, और फंगस है बेटा तो एल्गी और फंजाई में लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोन्टिक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा सो हेट्रोट्राइकस हैबिटेट। हेट्रोट्राइकस का मतलब ऐसा एल्गा बताना जिसमें दो तरह की, दो डिफरेंट तरह की ब्रांचेस पाई जाती हैं, और इसका नाम होता है स्टीगोक्लोनियम, ठीक है ना, याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेट्रोट्राइकस हैबिटेट शो करने वाला होता है स्टीगोक्लोनियम। नंबर ऑफ एंथीरोजॉइट, एंथीरोजॉइट का मतलब स्पर्म का नंबर बताना है, मेल गैमिट का नंबर बताना है, जो सिलेजिनेला में बनते हैं एक एंथ्रीडियम के अंदर, तो इनका नंबर होता है 128 से 256, ठीक है। ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस किसमें पाई जाती है, सिलेजिनेला में, तो ट्रेबिकुलेटेड क्या होती है, एंडोडर्मिस, ट्रेबिकुलेटेड होती है बेटा क्या, एंडोडर्मिस। समझ में आया कि नहीं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं द मेल कोन ऑफ पाइनस इज फॉर्म, देखो पहले तो फीमेल कोन पाया नहीं जाता है, और जो भी कोन होते हैं ये हमेशा माइक्रोस्पोरोफिल के, ठीक है ना, पास पास घने होने से बनते हैं, ठीक। कोन का मतलब है जब माइक्रोस्पोरोफिल बहुत कॉम्पैक्ट पैक हो जाएंगे, बहुत घने घने व्यवस्थित हो जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल ही कोन बनाता है, कहीं लिखा है, हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विच सिक्रीट एंड डिपॉजिट कैल्शियम कार्बोनेट एंड अपीयर लाइक कोरल्स। कोरल का फॉर्मेशन या तो सिलेंट्रेट्स करते हैं, एनिमल्स में अगर पूछा जाए तो सिलेंट्रेट्स, और अगर पूछा जाए ठीक है ना एल्गी में कौन करता है, तो आंसर होगा रेड एल्गी। रेड एल्गी ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता रहता है, जब ये मरते हैं तो समुद्र के बीच बीच में बहुत हैवी चट्टाने बना देते हैं, उन चट्टानों को ही बोलते हैं कोरल। समझ गए कि नहीं, कैल्शियम। द गैमिटोफिटिक जनरेशन इन टेरिडोफाइट इज कॉमनली, टेरिडोफाइट पूछा गया, टेरिडोफाइट में गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक का मतलब एन, एन या फिर हैप्लॉइड जनरेशन का नाम होता है बेटा प्रोथेलस, जैसे आपने पढ़ा होगा फर्न का प्रोथेलस, वो कुछ नहीं होता है, वो क्या होती है एन या हैप्लॉइड या गैमेटोफिटिक जनरेशन ही होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, रॉन्गली का मतलब गलत है, जिंगो में आर्चिगोनिया पाई जाती है सही है, साल्विनिया में प्रोथेलस पाया जाता है गलत है, साल्विनिया में कभी प्रोथेलस नहीं, बायरोइड्स आरएनए होता है बिल्कुल सही है, मस्टर्ड्स में सिनर्जिट्स होती हैं बिल्कुल सही है, किसी भी एंजियोस्पर्म में सिनर्जिट, तो आंसर कौन सा गलत हो गया, ठीक है ना, साल्विनिया, मतलब ठीक है ना, यही पूछा गया कौन सा रॉन्गली मैच है, तो आपका आंसर हो गया साल्विनिया में प्रोथेलस नहीं होता। अगला, ए प्रोटेक्टिव कैप लाइक, हम तो यहीं से समझ गए, प्रोटेक्टिव कैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा क्या, कैलिप्रा, और ये बनता है आर्चिगोनिया से, किससे बनता है, तो आप पढ़ लो प्रोटेक्टिव कैप और हुक लाइक कवरिंग ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम द कैप्सूल इन मॉस और लिवर वर्ट इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा प्रोटेक्टिव, जैसे ये कैप्सूल है मॉस का, पढ़ोगे मॉस तो इसके ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं कैलिप्ट्रा, और ये बनता है बेंटर ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनिया का पार्ट होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन जियामेस, जियामेस मक्के का नाम है, और मक्का मेज, मक्का क्या होती है एक बीजपत्री, थे एक ही कॉटिलिडन होगा, साइकस में दो कॉटिलिडन होते हैं वेरी गुड, पाइनस में 3 से 15 तो मैनी कॉटिलिडन होते हैं, तो 1, 2, 15। रेंडियर मॉस एक प्रकार का विशेष मॉस है, मॉस रेंडियर मॉस ठीक है ना, ये मॉस रेंडियर मॉस मॉस नहीं है बल्कि क्या है बेटा, याद रखिएगा लाइकेन, और इसका नाम होता है क्लेडोनिया, रेंडियर मॉस मॉस नहीं है ठीक है ना, इसका नाम है लाइकेन। अगला, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट ऑफ ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा का मतलब टेरिडो जिम्नो और एनजियो, तो फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट के रिलेशन को बोलते हैं बेटा माइको राइजा, क्या बोलते हैं बेटा माइको राइजा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, याद रखिएगा अभी बताया था जो माइको राइजा होता है ना बेटा, माइको राइजा ये एल्गी और फंजाई के मिलने से बनता है, किसके, एल्गी और फंजाई के मिलने से बनता है ठीक है ना। अब इसमें जो फंजाई होती है वो ग्लोमस जीनस की होती है, किसकी,
ग्लोमस जीनस की होती है, और ये फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करती है जमीन से। अगर फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करेगी तो उस जमीन की उर्वरकता को बढ़ा देगी। तो यहां पर पूछा गया है, तो जीनस ग्लोमस ये जो फंजाई होती है। अगला, माइकोराइजा इज ए रिलेशनशिप ऑफ रूट ऑफ पाइनस एंड फंजाई। कहीं है अभी तो बता चुके, और फंजाई और एल्गी के रिलेशन क्या बोलते हैं, लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज नॉट यूजफुल एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का काम कौन नहीं करता है? राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रेट फर्टिलाइजर का काम करता है, सही है। एल्गी एंड फंजाई बेडीगोड ये कहलाता है लाइकेन, और लाइकेन कभी भी फर्टिलाइजर का काम नहीं करता है। तो पूछा गया कौन सा फर्टिलाइजर का काम नहीं करता है, तो ये सारे फर्टिलाइजर का काम करते हैं, ये नहीं करता, तो ये ऑप्शन ऑप्शन हो जाए। हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, एनिमल। दुनिया का कोई भी एनिमल हो, 20 बार बताया जा चुका है, ठीक है ना, कि उनमें डाइजेशन पहले एसिडिक मीडियम में होता है, फिर एल्कलाइन मीडियम में होता है, और ठीक है ना, हाइड्रा की बात कर रहा है तो हाइड्रा में पहले डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, पहला इन सॉरी इंट्रा सेलुलर होता है, देन एक्स्ट्रा सेलुलर, पहले सेल के अंदर होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा के आप देखो, तो हाइड्रा के जो टेंटिकल्स होते हैं वो फूड को पकड़ते हैं, और फूड को पकड़ने के बाद उसकी सिलेंट्रॉन कैविटी में डाल देते हैं। सिलेंट्रॉन कैविटी में ठीक है ना, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है वो पकड़ लेती, तो पहले कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर देन एक्स्ट्रा सेलुलर। इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस, बहुत याद है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेकेंड जुवेनाइल इज कॉल्ड एज इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस की संक्रमण अवस्था होती है सेकेंड जुवेनाइल, द्वितीयक जुवेनाइल को ही बोला जाता है। हाउ आर एनेलिड एडवांस ओवर निमेटोड, निमेटोड या एस्केलेंथीज जो एस्केरिस वगैरह होते हैं, इससे एनेलिड केचुए के मेंबर होते हैं, वो कहते हैं एडवांस होते हैं, क्यों, क्लोज सर्कुलेशन होता है, सही है। ट्रू सिलोम पाया जाता है, ये भी सही है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिड्स में होता है, तो ये सारे करेक्टर एनेलिड्स में पाए जाते हैं, लेकिन निमेटोड में नहीं पाए जाते, इसलिए एनेलिड्स आर मोर एडवांस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टू पेयर्स ऑफ एंटीनी, याद रखिएगा। अगर एक पेयर एंटीना पूछा जाए, एक पेयर एंटीना, तो आंसर होगा बेटा आपका, ठीक है ना, इंसेक्टा, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्टा क्लास में एक पेयर एंटीना, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है दो पेयर एंटीना, तो इसी की दूसरी क्लास जिसका नाम होता है क्रस्टेशिया, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, यार जो फाइलम का ऑर्डर होता है वही इवोल्यूशन, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटोजोआ फाइलम, फिर पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फिर निमेटोहेल्मिंथीज, तो यही कर। अब इसमें देखो एस्केरिस पहले आ गया, अमीबा बाद में आ गया, तो ये गलत है। जो आप जिस सीक्वेंस में आप चैप्टर पढ़ते हो वही सीक्वेंस, ठीक है ना, वही सीक्वेंस क्या होता है बेटा, वही सीक्वेंस इवोल्यूशन का भी सीक्वेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड, ठीक, करेक्टली पेयर्ड, क्या हुआ सर, चले गए बोला स्क्रीन लगवा देंगे आपके वहां के लिए, आप देखना है मॉडल। टफ नहीं है नीट से, नीट का सिलेबस अलग है और बीसी ईसी का सेंटर वो सिलेबस अलग है, समझ रहे हो कि नहीं, टफ कुछ नहीं है, सिलेबस अलग अलग है दोनों चीजों की। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, ट्राइगन मॉनिटर, नहीं मॉनिटर लिजर्ड होती है जबकि ट्राइगन एक फिश है, तो ये करेक्ट। इक्थियोफिश क्रो, नहीं इक्थियोफिश एक एम्फीबियंस है, क्रो बर्ड। वारानस स्टिंगरे, वारानस की बात की जाए तो वारानस क्या होता है बेटा, ये एक रेप्टाइल है वारानस, और स्टिंगरे ठीक है ना एक फिश है, ये प्रेस्टिस सॉफिस, हाँ ये सही, प्रेस्टिस को ही सॉफिस बोला जाता है, करेक्टली मैच पूछा गया था। अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग ए क्रेनियम। आप ये करेक्टर पढ़ो, ये करेक्टर देखना है इसमें। क्रेनियम, खोपड़ी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, नीचे की तरफ हर्ट होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, टू पेयर लिम्स पाए जाते हैं। टू पेयर लिम्स का मतलब ये करेक्टर टेट्रापोडा, ठीक है ना। चार पादों वाले जानवरों की बात की जा रही है। अगला, वर्टिब्रेट डज नॉट है, वर्टिब्रेट्स में कशेरुकियों में नहीं पाए जाते हैं क्या, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एपिडर्मल स्केल्स, क्लॉ, पंजा होता है, टेल, पूंछ होती है। नीरोब्लास्ट इज दिस इज द करेक्टर ऑफ सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा का करेक्टर है बेटा ये, ठीक है ना। वर्टिब्रेट में एपिडर्मल स्केल भी होंगे, पंजे भी होंगे, टेल पूंछ भी हो सकती है, लेकिन कभी भी नीरोब्लास्ट नहीं पाई जाएगी। नीरोब्लास्ट हाइड्रा सीलेंट्रेटा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एंसेस्टर ऑफ साइक्लोस्टोम्स आर, साइक्लोस्टोम्स एंसेस्टर है। साइक्लोस्टोम एक पहले सबसे फर्स्ट वर्टिब्रेट का नाम दिया जाता है, ऑस्ट्रेकोडर्म्स को फर्स्ट वर्टिब्रेट इनको बोला जाता है। फर्स्ट आज की डेट में ये मर चुके हैं, सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर पाए नहीं जाते, तो इन्हीं से एवोल्यूशन हुआ था साइक्लोस्टोम्स का। तो साइक्लोस्टोम्स के एंसेस्टर कौन हो गए, ऑस्ट्रेकोडर्म्स। बर्ड्स एंड मेमल्स है, ठीक है ना, बर्ड हो चाहे मेमल्स हो चाहे क्रोकोडाइल हो, इन तीनों में ही फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कह रहे हैं सेलेक्ट मैच करना, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोवेक्टर। नहीं, नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया टू नाइट्राइट कन्वर्ट करता है, ये करता है अमोनिया टू नाइट्राइट, और इसमें लिखा है नाइट्राइट टू नाइट्रेट, गलत। थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन करता है, सही है बेटा। नॉस्टॉक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी सही है। एजेटोबैक्टर एनएरोबिक, नहीं बेटा एरोबिक होता है, एनएरोबिक तो क्लॉस्ट्रिडियम है, क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है ना। एजेटोबैक्टर ये गड़बड़, ये एरोबिक होता है बेटा, यहाँ एनएरोबिक दिया गया, तो कौन से सही हो गए, बी और सी। कॉज ऑफ मिमिक्री, मिमिक्री का मतलब होता है किसी की एक्टिंग करना, किसी के जैसा दिखना, तो ये अटैक के लिए भी किया जा सकता है और डिफेंस के लिए भी किया जा सकता है, तो सुरक्षा और आक्रमण दोनों के लिए किया जाता है। आंसर है बी एंड सी। अगला, विच वन ऑफ दिस हेक्सोस सुगर, अब देखो इसके ऑप्शन हेक्सोस, ठीक है ना, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फेरेक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, इनका सबका फॉर्मूला एक ही होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, इनका C6H12O6, ठीक है ना। तो ऑप्शन यही हो गया, ये है हेक्सो सुगर, ये तो पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारी इसमें सुगर मिलेंगी, ठीक है ना। आंसर माल्टो लैक्टोज एंड सुक्रोज, फालतू क्वेश्चन, डाइसेकेराइड्स होते हैं ये सब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, सम प्लांट्स हैविंग प्लीजेंट ऑर्डर एंड अट्रैक्टिव कलर्स फॉर, कुछ प्लांट्स में बहुत आकर्षक सुगंध आती है या आकर्षक रंग होते हैं, ये किसके लिए, ठीक है ना, कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि चींटियां, और इस रिलेशन को बोलते हैं एंटेमोफिली, प्लांट्स और चींटियों के रिलेशनशिप को बोलते हैं एंटेमोफिली। ईस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ईस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा राइबोफ्लेविन, दैट इज विटामिन, राइबोफ्लेविन किसका नाम है, बी2 का, याद रखिएगा, विटामिन बी2 पाया जाता है। लाइकेंस मल्टीप्लाई, लाइकेंस में मल्टीप्लीकेशन या, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के थ्रू, याद रखिएगा। फंजाई कॉजिंग हेयर लॉस, ये तो आजकल यूथ में, युवाओं में, आजकल के लड़कों में, या ठीक, बहुत कॉमन समस्या है, ठीक है ना, कहते हैं डेंड्रफ हो जाता है, वो डेंड्रफ नहीं हो जाता बेटा, इस सेल का आपके, ठीक है ना, स्कैल्प में, आपकी खोपड़ी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्स मर मर कर छुटती रहती है, डेंड्रफ बनता रहता है, तो वो क्रेटोफाइलस फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। आजकल कॉमन समस्या चल रही है ये वाली, बहुत ज़्यादा वाली से, अधिकतर केसेस में बाल इसी फंजाई की वजह से झड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉलुमेला इज फाउंड इन, ठीक, कॉलुमेला किस में पाया जाता है, अभी तो बताया था फंगस में भी पाया जाता है और मॉस में भी, तो फंगस ये रहा, मॉस ये रहा, तो आंसर हो गया ए एंड सी, ठीक है ना। स्केल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थीस, याद रखिएगा, कॉन्ड्रिक्थीस बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्केल्स इन कॉल्ड्रिक थीस आर,
ये बोले जाते हैं स्केल्स पाए जाते हैं, और ये कार्टिलेजिनस फिशेज में कैसे होते हैं, प्लेकोइड, साइक्लोइड, टीनोइड और गेनोइड, ये सब पाए जाते हैं बेटा स्केल्स बोनी फिशेज में, ठीक है ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एम्फीबियंस। देखो एम्फीबियन ऐसा एनिमल बताओ, ऐसा एम्फीबियन बताना हो बेचर जिसमें जीभ नहीं, टंग नहीं होती है, तो इक्टियोफिश है, ना टंग होती है, ना पूंछ होती है, ना पैर होते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, और ना आंखें होती है, ब्लाइंड वर्म भी बोला जाता है, पता नहीं क्यों जिंदा है इक्टियोफिश, ठीक है ना। कॉम्ब प्लेट्स, आपने पता होगा जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं उसमें, ठीक है ना, 8 रोज में कॉम्प्लेट्स अरेंज होती हैं जो मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, और टीनोफोरा का एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाइलेटरल बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री। देखो हाइड्रा में रेडियल पाई जाती है, नॉट बाई रेडियल। स्पॉन्जेस में ए सिमेट्री होती है, कोई सिमेट्री नहीं। लीबियो इसमें बाइलेटरल होती है, नॉट बाई रेडियल, तो बाइलेटरल किसमें होगी, वो रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट फीचर नॉट शेयर्ड बाई नॉन कॉर्डेट। तो कह रहे हैं कॉर्डेट में पाया जाता है लेकिन नॉन कॉर्डेट में नहीं पाया जाता। मेटामेरिज, ये तो नॉन कॉर्डेट में पाया जाता है, उसने पूछा कॉर्डेट में कौन सा पाया जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा है, एक्सियल एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे संगठन, ये भी नॉन कोऑर्डिनेट में पाया जाता है, कोऑर्डिनेट्स में ये भी गलत, बाइलेटरल सिमेट्री ये भी नॉन कोऑर्डिनेट, फेरिंजियल गिल्स्लेट्स ओनली फाउंड इन कोऑर्डिनेट्स, ये सही हो जाएगा। इन फर्न्स जाइलम, फर्न में जो जाइलम होता है बेटा मीजार्च होता है, मीजार्च का मतलब होता है बीच में होगा मेटाजाइलम और ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा क्या, प्रोटोजाइलम, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मीजार्च, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा कैलेप्ट्रा, अभी तो बताया था आर्चिगोनिया से बनता है कैलेप्ट्रा, ठीक है ना, आर्चिगोनिया से बनता है, तो आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है ना, और कैप्सूल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए फीमेल गैमिटेंजियम ऑफ बायो ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम दैट फंगस, ठीक है ना, जो कह रहे हैं फीमेल गैमिट होता है वो ब्रायोफाइटा का फंगस से अलग होता है, क्यों, क्योंकि जो फंगस होता है इसमें स्पाइरल जैकेट लेयर नहीं पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइटा में पाई जाती है जैकेट लेयर विद स्पाइरल सेल्स, ठीक। बॉर्डर पिट्स, ये करेक्टर होता है बेटा जिम्नोस्पर्म्स का, बॉर्डर पिट का पाया जाना करेक्टर होता है जिम्नोस्पर्म्स का। अगला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इन ब्रायोफाइट्स एन ऑपरकुलम या कैप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, डेवलप, कितनी बार बता चुके हैं, तो अभी तो बताया था कि कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता था, कैलिप्ट्रा, क्या नाम होता था, कैलिप्ट्रा, और ये किससे बनता है, बेंटर ऑफ आर्ची गोनियम, ठीक है ना।